ये ओके लाइफ वाले प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट से कुछ नहीं होता जब तक हायर बीवी ना हो या अच्छा प्लान ना हो, तब तक प्रोडक्ट बेचो कोई कमा नहीं सकता। यानी कि उनका मानना है कि बीवी अच्छा होना चाहिए, प्लान अच्छा होना चाहिए, रेट चाहे जो भी। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जो भी रेट है, जो भी रेट है वाले हैं, जो भी बीवी देने वाले हैं, उनकी हालत क्या है आज? इस सवाल का जवाब सो कर रहे हैं, बिल्कुल सही सर, बेटर तो नहीं बोल सकते। ये इंडस्ट्री जहां ग्रो करनी चाहिए, ग्रो करने की बजाय पीछे आप टाइम में देखोगे डिक्लाइन हुई जी। क्यों? जैसे लोग बोलते हैं सर कुछ भी दो बेच देंगे, प्राइस इतना रहे, बस मुझे रेट कुछ भी दो बेच देंगे, पैसा चाहिए 5 लाख ज्यादा पैसा चाहिए, कुछ भी दो बेच देंगे वाले एक दिन खुद बिक जाते हैं किसी दूसरी कंपनी के हाथों में। ओके, जो कुछ भी दो बेच देंगे हैं वो एक दिन खुद बिके हुए मिलते हैं। आपको खरीदने और बेचने का खेल खेलना है तो जहां मर्जी खेलिए। मुझे ना लोग खरीदने आते हैं ना बेचने आते हैं, मुझे प्रोडक्ट बनाना आता है और प्रोडक्ट बेचना आता है, मुझे उसी तक सीमित रहने में मुझे मजा आता है जी। और मेरा बहुत सिंपल सा मानना है साहब, आप कुछ भी बेच दोगे, ये आपकी अंतरात्मा की आवाज है, मेरी अंतरात्मा की आवाज है, मैं कुछ भी नहीं बेच सकता, मुझे वही बेचूंगा जिसमें मुझे ईमानदारी का प्रॉफिट नजर आएगा। आप कुछ भी बेच के कमाना चाहते होगे, आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जाइए बेचिए कमाइए। मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसपे कुछ भी बेचने के लिए कोई गुंजाइश, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बेचना ही मकसद है, जहां सामने वाला प्रोडक्ट को यूज करके और ये फील करे वाह क्या प्रोडक्ट लिया और क्या सही कीमत पे लिया है, और उसे सेटिस्फाई मिले अपनी परचेज पे, वो हैप्पी हो, वो फीलिंग जब तक नहीं आए साहब, मैं उस पैसे को कमाना कमा ही नहीं सकता। सर इतने अफोर्डेबल प्राइस में ये कैसे पाते हो, मतलब क्या कैसे पॉसिबल? आप ट्रेडिशनल मार्केट को देखिए जी, तो वो भी बांट रहे हैं